हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लाई हूँ फिर से कुछ मीठा। और हेल्दी तो बिल्कुल नहीं है ये, क्योंकि इसमें है बहुत सारा चॉकलेट। तो ये है पीना कोलाडा ट्रफल और ये है हमारा रस मलाई ट्रफल। इसको मैंने चॉकलेट में डिप नहीं किया है, आप चाहें तो इसको मेल्टेड चॉकलेट में डिप करके भी इसको कोट कर सकते हैं, पर यहाँ मैंने इसको किया है कुछ अलग तरीके से कोट, कुछ सस्पेंस। तो उसको जानने के लिए मेरी वीडियो में बनी रहिए और देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रफल का करेंगे तैयार बेस, और उसके बाद हम उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स मिला के डिफरेंट फ्लेवर के ट्रफल्स बनाएंगे। यहाँ मैं मोर्डे का वाइट कंपाउंड यूज़ कर रही हूँ, और जो मैंने वाइट कंपाउंड लिया है ये है 210 ग्राम। एक फुल स्ट्रिप है और एक स्ट्रिप्स में से थोड़ा सा यूज़ किया हुआ है, तो आप इसको वेइंग स्केल से मेजर करके ले सकते हैं। कभी भी वाइट चॉकलेट को या फिर जो नॉर्मल डार्क कंपाउंड या मिल्क है किसी को, उसको भी आप फ्रिज में कभी स्टोर ना करें, वरना वो मेल्ट होने में बहुत दिक्कत करता है और जो शाइनिंग और फिनिशिंग है वो भी उतनी अच्छी नहीं आती है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम चॉकलेट को छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। आप इसको चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं ग्रेटर से। इस चॉकलेट को अभी हमें डबल बॉयलर में मेल्ट करना है, आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं या फिर डबल बॉयलर में भी। और जब तक इसको हम मेल्ट कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें लगने वाली है हमारी अमूल की फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास ये ना हो तो आप व्हिप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, बस व्हिप क्रीम आपका रूम टेम्परेचर का चाहिए। आप उसको मेल्ट करें बाहर निकाल के फ्रीजर से, और उसको फिर आप डबल बॉयलर में ही हल्का सा गर्म कर लें। अगर आप उसको ठंडा किसी भी चॉकलेट में डालेंगे तो उसमें लम्स आ जाएंगे, या फिर अमूल फ्रेश क्रीम का भी ऐसा ही है, रूम टेम्परेचर पे रहता है जब तक ये बॉटल खुलता नहीं है। पर अगर एक बार ये बॉटल खुल जाए फ्रेश क्रीम की, तो इसको हम फ्रिज में रखते हैं 14 से 15 डेज़ के लिए। पर ये जैसे अगर मैंने फ्रिज से अभी निकाली है और ये ठंडी है, तो हम इसको डायरेक्ट मेल्टेड चॉकलेट में नहीं मिला सकते। मैं इसको भी हल्का सा गर्म करूँगी डबल बॉयलर में और फिर उसको मिक्स करूँगी। तो मैं दोनों को होती हूँ मेल्ट रखने के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे हमारी जो वाइट चॉकलेट है, वाइट कंपाउंड, वो भी मेल्ट हो गया है, और हमारी क्रीम भी मैंने इसको थोड़ा सा वार्म कर लिया है क्योंकि ये फ्रिज का ठंडा था। अब हम मेजर करके इस 210 ग्राम वाइट कंपाउंड में मिलाएंगे 50 ग्राम क्रीम। क्रीम को कभी भी आप डायरेक्ट गर्म ना करें, वरना क्रीम आपकी जल सकती है। तो ये देखिए यहाँ पे 50 ग्राम हमारा हो चुका है क्रीम। इसको हम करेंगे पहले मिक्स। और इसको मैं करूँगी अब हमारे दो पार्ट में डिवाइड, क्योंकि मैं आपको दो फ्लेवर बनाना बता रही हूँ सेम बेस से। आप चाहें तो एक ही फ्लेवर बनाएं और चाहें तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ पीना कोलाडा। तो इस वाइट गनाश में 1/8 टीस्पून मैं मिलाने वाली हूँ पाइनएप्पल एसेंस। मैं इसमें पाइनएप्पल क्रश भी ऐड करने वाली हूँ, इसलिए मैंने एसेंस कम लिया है। अगर आपके पास पाइनएप्पल क्रश ना हो तो फिर आप पाइनएप्पल एसेंस की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। 1 टेबलस्पून डालूंगी इसमें मैं पाइनएप्पल क्रश। और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मेरा इधर से गीला हो चुका है, इसलिए मैंने 1/2 टेबल स्पून जो है उसको दो बार मेजर करके इसमें मिलाया है डेसिकेटेड कोकोनट।
और इसको अब हम करेंगे इस तरीके से मिक्स। तो ये हमारा हो चुका है पीना कोलाडा का ट्रफल के लिए रेडी। अब यहाँ पे हम करेंगे रसमलाई, 1/4 टीस्पून इसमें मैं डालने वाली हूँ रसमलाई एसेंस। अगर आपके पास केसर एसेंस है तो आप ऐड करें, और अगर नहीं है तो कंपलसरी नहीं है। यहाँ मैं ओसरो का रसमलाई एसेंस यूज़ कर रही हूँ तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। 1/8 टीस्पून मैंने इसमें डाला है केसर एसेंस, और इसके साथ ही 2 टीस्पून अच्छे से भर के मैंने लिया है यहाँ पे मेरा थंडाई पाउडर। इसकी अगर आपने वीडियो देखी है कि इसको कैसे बनाना है तो ठीक है, और अगर नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं कि मैंने ये वीडियो कैसे बनाया। इससे आपके चॉकलेट ट्रफल का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। इसको हम करेंगे इस तरीके से मिक्स। और इसको अब हम रखेंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। तब तक अभी देखिए थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड में है, हमें इसको तब तक सेट करना है फ्रिज में। हो सकता है 2 घंटे भी ले ले, या हो सकता है 1 घंटे में भी सेट हो सकता है, तो मैं ये आपको सेट होने के बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटे में इसकी क्वांटिटी कम थी, तो हमारा ये ट्रफल देख सकते हैं आप इस तरीके से ये सेट हो गया। ये रसमलाई ट्रफल है, तो पहले हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। 1 प्लेट में मैंने यहाँ पे लिया है ठंडाई पाउडर, आप जितने बड़े ट्रफल्स बनाना चाहते हैं उतना पोर्शन ले, इस तरीके से उसकी बॉल बनाएं और इस ठंडाई पाउडर में उसको रोल कर दें। बहुत ही टेस्टी है ये खाने में, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसको अब हम रखेंगे एक प्लेट में, और इसी तरीके से हमारे जो ये बचा हुआ पोर्शन है उससे आप बड़े छोटे किसी भी साइज का इस तरीके से बॉल बना लें। इस ठंडाई पाउडर की वजह से जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बढ़ गया है इस रसमलाई ट्रफल का, और आप देख सकते हैं कि ये जब सेट हो जाता है इतने अच्छे से, इसमें इंग्रेडिएंट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है और ये हाथों में भी नहीं चिपक रहा है, एकदम क्लीन है। तो यहाँ पे हमारी जो रसमलाई ट्रफल है वो बन के रेडी है। इसको मैं नॉर्मल प्लेन जो हमारा डार्क चॉकलेट है इस तरीके से उस पर ड्रिजल करूंगी। आप चाहें तो कोई और कलर चॉकलेट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे रसमलाई ट्रफल्स है वो बनके रेडी है। नेक्स्ट हम बनाएंगे हमारे पीना कोलाडा ट्रफल्स। नेक्स्ट हमारे पीना कोलाडा ट्रफल के लिए मैंने एक बाउल में लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। इसमें मैं मिलाऊंगी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ येलो कलर और उसको आप इस तरीके से मिक्स कर दें ताकि आपका जो कोकोनट है उसके कलर में हल्का सा येलोइश आ जाए। तो यहाँ पे पीना कोलाडा ट्रफल का जो बेस है उसने आधा घंटा और लिया था एक्स्ट्रा सेट होने के लिए, क्योंकि इसमें हमने क्रश मिलाया था तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड हो जाता है। तो अब आप इसकी जैसे बॉल बनाएं और जितना बड़ा या छोटा, और उसको आप डेसिकेटेड कोकोनट में
यहाँ मैंने कलर्ड किया, आप चाहें तो वाइट भी ले सकते हैं प्लेन। उसमें हर तरीके से उसको कोकोनट से कोट कर दे और उसको राउंड शेप दे दे। ये देखिए कितना अच्छा सेट हुआ है। जब हमारा बेस अच्छे से सेट होता है तो हमारे ट्रफल्स भी बहुत अच्छे से बनते हैं। तो इसी तरीके से आप ये चाहें तो आप मेजर करके भी ले सकते हैं, या फिर एक स्पून ले लें, जिससे स्पून से आप उतनी क्वांटिटी लें तो आपकी जो ट्रफल्स हैं वो बराबर शेप में बनेंगे, बड़े छोटे नहीं बनेंगे। इसी तरीके से सारे ट्रफल्स जो हैं पीना कुलाड़ा के, वो मैं इस तरीके से बॉल्स बना के कोकोनट में कोट करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा पीना कुलाड़ा ट्रफल भी बन के रेडी है। देख सकते हैं इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया है। इसको मैंने डेडिकेटेड कोकोनट को कलर करके उससे रोल किया है। और यहाँ हमारा रसमलाई ट्रफल भी सेट हो गया है फ्रिज में। आप इसकी जो स्टोर लाइफ है, आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो 10 से 15 दिन ये अच्छे चल जाएंगे। अगर बाहर रखेंगे तो बाहर ये शायद ही ज़्यादा चले, मेरे ख्याल से 3 दिन काफ़ी होंगे। गर्मी के सीज़न में तो जल्दी ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो इसको आप एयर टाइट डब्बे में डाल के फ्रिज में स्टोर करें। और मेरी ये दोनों रेसिपी बन के तैयार है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी है ये खाने में।